छत्तीसगढ़ बेमेतरा स्वास्थ्य विभाग में निकली 70 पदों पर भर्ती कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन? क्या छत्तीसगढ़ के सभी जिले के निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इसकी प्रारंभिक तिथि कब है और अंतिम तिथि कब है? शुल्क कितना है? सैलरी कितना है? कब ज्वाइन होगा? यहाँ पर कब अप्लाई कर सकते हैं? सारा डिटेल आगे मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर निकला है छत्तीसगढ़ बेमेतरा स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2023। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ में फार्मेसिस्ट ग्रेड 2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक ड्रेसर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए आवेदक तथा योग्यता रखने वाले छत्तीसगढ़ संपूर्ण निवासी आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण निवासी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पद का नाम देख सकते हैं, कितना पद निकला है, कौन से पद निकला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विभाग का नाम है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। यहाँ पर पद का नाम है फार्मेसिस्ट ग्रेड ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक ड्रेसर तथा लैब असिस्टेंट। यहाँ पर पदों की संख्या तो आप देख सकते हैं 70 पदों की संख्या। यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन। यहाँ पर नौकरी रहेगी सरकारी। यहाँ पर नौकरी स्थान रहेगा बेमेतरा। और कौन अप्लाई कर सकते हैं? छत्तीसगढ़ के संपूर्ण निवासी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई लिंक आपको दिख रहा होगा, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर आप महत्वपूर्ण तिथि देख लेते हैं, इसका प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मई, और अंतिम तिथि है 13 जून। तो आप देख सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो आयु सीमा है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आयु सीमा आप देख सकते हैं 18 से 40 वर्ष के निवासी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आयु की जनगणना जो है 1/1/2023 से यहाँ पर होगी। और यहाँ पर सैलरी आप देख सकते हैं कि कितना कितना सैलरी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी यहाँ पर फार्मेसिस्ट ग्रेड 2 का यहाँ पर 25,300 से 80,500 तक रहेगा। और यहाँ पर ड्रेसर के लिए यहाँ पर 19,500 से 62,000 रुपये रहेगा। और यहाँ पर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए यहाँ पर 22,400 से यहाँ पर 71,200 रुपये रहेगा। और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए यहाँ पर 22,400 से 71,200 रुपये रहेगा। और लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 19,500 से 62,000 रुपये रहेगा। और ड्रेसर के लिए यहाँ पर 18,000 से 56,900 रुपये रहेगा। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री है, आवेदन शुल्क यहाँ पर फ्री है। और यहाँ पर आप पद का डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पद का डिटेल दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए पद का नाम, पद का संख्या, यहाँ पर फार्मेसिस्ट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 11 पद निकला है, ड्रेसर के लिए 19 पद, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए 32 पद, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के लिए 6 पद, यहाँ पर जो असिस्टेंट लेब है उसके लिए 1 पद, और यहाँ पर ड्रेसर के लिए 1 पद। और टोटल यहाँ पर आपको निकला है 70 पद निकला है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, सारा डिटेल दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता का आप देख सकते हैं, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया गया है। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, 5वीं पास है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप महत्वपूर्ण बिंदी देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, और आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में अपनी जानकारी सही सही भरें, अधिक जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन अवश्य पढ़ें। तो यहाँ पर सभी पदों का चयन कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा यहाँ पर चयन होगा। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पर 40 अंक दिया जाएगा, तकनीकी योग्यता पर यहाँ पर 45 अंक, और यहाँ पर अनुभव के आधार पर 15 अंक दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर आपका 100 अंक हो जाएगा, यहाँ पर 100 अंक में आपका सलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये जॉब है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। और भी इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको आगे भी इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।